नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन पूछा है किसी ने, यूज़र OQ7BF7GR51, ये हैं यूज़र जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है। सर, बिना स्पिरिचुअल गुरु के हम मोक्ष पा सकते हैं क्या? बिना स्पिरिचुअल गुरु के क्या हम मोक्ष पा सकते हैं? मोक्ष क्या होता है? मोक्ष होता है मुक्ति। मुक्ति तो इसका एक सिनोनिम है, पर्यायवाची है। मोक्ष होता क्या है जिसको हम पाना चाहते हैं? गुड, वेरी गुड, एक स्टेप आगे बढ़े। अपनी सफरिंग से हम फ्री होना चाहते हैं। कौन सी सफरिंग? ये जो हम लोग जीते फिजिकल बॉडी में, मरते हैं, फिर दोबारा जन्म लेते हैं, मरते हैं, उससे बाहर निकलना। वेरी गुड। हम बार बार जन्म लेते हैं, शरीर को पकड़ते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, इससे हम फ्री होना चाहते हैं। ये अधूरा डेफिनेशन है। देखिए, फिजिकल बॉडी में रहते हुए हम लोगों को फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत कम टाइम ऐसा आता है जहां लिमिटेशंस फील होती है। खास तौर से तब जब चोट लगती है, जब भूख लगती है, जब उल्टी आती है, दांतों में दर्द होता है, जब बॉडी में कोई पेन होता है, या मेंटली जब परेशान होते हैं। वो तो बहुत बात की बात है। मैं अभी बात कर रहा हूँ, नॉर्मल इंसान मोक्ष के बारे में नहीं सोचता। और जैसे भाई साहब ने कहा है, इनकी दो चिंताएं हैं, क्या इनको मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और दूसरा, क्या बिना गुरु के मोक्ष मिल सकता है? इसका आंसर एकदम क्लियर आंसर है, एक ही लाइन में आंसर है। पता है आपको मोक्ष बिना गुरु के मिलता है कि नहीं मिलता? ये आंसर ऐसा ही है जैसे कि मैं आपसे पूछूं, बिना आंखों के आप देख सकते हैं, बिना कान के सुन सकते हैं? पक्का? ऐसे ही बिना गुरु के मोक्ष नहीं मिलता। तो फिर लोग बिना गुरु के मोक्ष क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे गुरुओं के कांटेक्ट में आ रहे हैं जो फर्जी हैं, जो आपसे ढेर सारी बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं। और ये भाई साहब, दूसरी चीज भी, मोक्ष का कॉन्सेप्ट आप लोगों का भी बहुत क्लियर नहीं है। जैसे आपने बताया मरने जीने से बचना, आपने बताया मुक्ति। एक आदमी के पास जब ढेर सारा पैसा आता है, बहुत ज़्यादा पैसा आता है, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, तो वो आपसे ज़्यादा फ्री है कैसे? हालांकि स्विट्जरलैंड में तो ये प्रूव हो गया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने अमीर हैं। पता है क्या हुआ ना, लियो हिंदुजा परिवार जिसकी नेटवर्थ 30 अरब डॉलर कही जा रही है, उनके ऊपर केस चला कि उन्होंने अपने नौकरों को घर पर कैदी रखा, 18-18 घंटे काम किया, अपने कुत्ते से भी ज़्यादा पत्थर उनके साथ सलूक किया। और आज सबसे बड़े जो लोग हैं हिंदुजा परिवार के, प्रकाश और उनकी वाइफ कमल, उनका बेटा अजय और उनकी वाइफ नम्रता, नहीं जेल नहीं गई अभी, बट उनके ऊपर 4.5 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। अब हायर कोर्ट में उन्होंने अपील किया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब समझते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, किसी को बिना इलीगल तरीके से आप एक देश से दूसरे देश में ले जाते हैं, ये सब चीज़ें उसके ऊपर लगी हैं। बट फिर भी ये तो उनकी बेवकूफ़ी है। मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूँ, अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है तो आपको क्या क्या फ्रीडम है इस दुनिया में, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं? मैं मान आपसे पूछता हूँ कि आपके पास 1 लाख करोड़ का बिजनेस है, जैसे अंबानी की तरह आपको अडॉप्ट कर लिया अडानी जी ने, अंबानी जी ने, आप उनके दामाद हो गए और उन्होंने अपना पूरा प्रॉपर्टी आपको दे दिया और आपको ये भी कह दिया कि तुम्हें काम करना है करो, नहीं करना है मत करो, तो आप क्या करना चाहोगे, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो? इसी से आपको आंसर मिलेगा मोक्ष क्या होता है। कुछ भी आइडिया नहीं तुम लोगों को क्या करना चाहोगे? आप ट्रैवल करेंगी, सबसे पहला देश कौन सा, कौन सी जगह जाएंगी? राजस्थान, फिर इंडिया में घूमने का फॉरन सबसे पहले कहाँ जाएंगी? पेरिस में डिज्नीलैंड है क्या? है, चलो अच्छा ठीक है। अच्छा, जब तुम फॉरन जाओगे उस पैसे से, या आप लोगों को बुलाओगे, आप भी शायद फॉरेन जाओ, जब बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे आप राइटिंग के लिए फिल्म बनाए, तो उसके लिए कौन कौन से पेपर्स चाहिए होंगे? एक तो पासपोर्ट चाहिए होगा, और उसके साथ साथ वीज़ा चाहिए होगा, उसके साथ साथ टिकट्स भी चाहिए होगा भाई। अच्छा, कौन सी कंडीशन में आपको वीज़ा तो चाहिए लेकिन टिकट नहीं चाहिए? किसी फॉरेन लैंड में जा रहे हैं, आपको वीज़ा चाहिए, टिकट नहीं चाहिए? अरे फॉरेन जाओगे तो टिकट तो चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है
इसमें आप फॉरेन जाओ लेकिन आपको टिकट की जरूरत नहीं है, वीजा चाहिए बस, वीजा चाहिए डंकी। अरे आप लोग मिस कर रहे हैं, 1,00,000 करोड़ है आपके पास, अच्छा प्राइवेट जेट, प्राइवेट जेट है आपके पास, आपको टिकट की क्या जरूरत है। यहीं से आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष। बताइए हम लोग जनोगा में क्या पढ़ते हैं, जब एक आदमी एनलाइटेंड हो जाता है तो उसको क्या क्या मिलता है गिफ्ट में, सबसे पहले उसको 3 व्हीकल मिलते हैं, कौन कौन से व्हीकल, उसको फिजिकल बॉडी के साथ साथ मॉलिकुलर बॉडी मिलती है, सूक्ष्म शरीर, वो अपनी मर्जी से फिजिकल बॉडी से मॉलिकुलर बॉडी में जा सकता है, और मॉलिकुलर से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी जिसको कि हिंदी में बोलते हैं कारण शरीर। इनका स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग हमारे और आपकी कल्पनाओं के परे है। अच्छा अब मैं आपको पूछता हूँ, मान लीजिए आपको हवाई जहाज मिल गया तो क्या खुद चलाओगे, किसको हायर करोगे, पायलट को, तो आपका गुरु आपके पायलट की तरह होता है, आपकी जान बचाता है। जब आपका पहली बार एक्सपीरियंस होगा फिजिकल वर्ल्ड से, हम रोज़ ही एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में, रोज़ हम ड्रिफ्ट करते रहते हैं, कन्फ्यूज होते रहते हैं, हम सबको गुरु चाहिए ही चाहिए। अब ये आपका अपना विजडम होना चाहिए कि किस टाइप के आदमी को मैं अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छे अच्छे गुरुज अवेलेबल हैं, जिनसे आपको डर लग रहा है उनसे बचे रहिए, उनके पास मत जाके फंसिए। अगर मन में आपने सोचना शुरू कर दिया मुझे एक जेन्युइन टीचर चाहिए, जेन्युइन टीचर चाहिए, तो आपको आज नहीं तो कल मिलेगा। मुझे, मैंने पहली बार स्पिरिचुअल बुक उठाई थी 1997 में, योग वशिष्ठ, और मुझे मेरे गुरु कब मिले, कौन से साल में, नहीं याद है, 2003 में, कौन सी डेट को, हम लोग को तो दिवस मनाना चाहिए, गुरु गुरु डे, आशीष जी का इनिशिएशन डे मनाना चाहिए हम लोगों को। 31 दिसंबर की रात को मैंने पार्टी मनाई थी और 1 जनवरी 2003 में मैंने जनोगा बुक खोली थी। हाँ उसी के आसपास, लेकिन मुझे याद है अच्छी तरीके से, वो डेथ नाइट्स वहाँ पर मैंने स्पेंड की थी, मुझे डेट एग्जैक्टली याद नहीं, बट 2003 का साल याद है। तो सबसे पहला स्टेप, गुरु होता क्या है और किस टाइप का गुरु चाहिए, ये आप डिसाइड करो। और सेकेंड पॉइंट क्या है, गुरु आपको कब एक्सेप्ट करेगा, हलवा नहीं है कि गए गुरु जी चलो एडमिशन, गुरु किसको एक्सेप्ट करता है, यहां पर एक भी बंदा मेरा शिष्य बनने लायक है, हाँ हम तो सर आपके बड़े पापा ही, आप तो पापा हैं हमारे, पापा हैं, उधारी था मेरा आप लोगों के साथ, लेकिन शिष्य कौन है मेरा यहां पे, जो सरेंडर्ड हो। और सरेंडर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिटिकल सर्टन स्टेज सेक्शन 2B, कहाँ से शुरू होता है, कौन से लैंड के बाद से, नो मैन्स लैंड। जब आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और आपने साधना करना शुरू कर दिया है, अब आपका माइंड ड्रिफ्ट नहीं होता है और पूरे टाइम स्पिरिचुअलिटी के बारे में ही, साधना के बारे में सोच रहा है, तब जाकर के गुरु आपको खुद मिलते हैं, फिजिकली अपीयर होते हैं, पहले सपने में आते हैं फिर फिजिकली आपको दिन में मिलते हैं। तो ये सवाल ही एकदम इमेच्योर है, फिजिकल लेवल पे कोई गुरु नहीं चाहिए आपको। अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग किसी को सुन रहे हो, तो वो सब के सब गाइड्स हैं, मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, बट गुरु हर एक आदमी का एक ही होता है, जो नो मैन्स लैंड क्रॉस करने के बाद आपको मिलता है, और उसके बिना मोक्ष नहीं पॉसिबल है। ठीक ऐसे ही जैसे आपको एक शिप चलाना है तो आपको एक चाहिए, कैप्टन चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड फिजिकल मॉलिकुलर वर्ल्ड्स एक समंदर की तरह है, माया जाल है, ढेर सारे इल्यूजन्स हैं, उसी में से एक इल्यूजन हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, जर्नी ऑफ सोल। दोस्तों आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और ये इस तरह के वीडियोज आप देखना चाहते हैं, तो जनोगा एडवांस कोर्स है हमारा, dkbrains.com में जाकर के चेकआउट करिए।